All right. ठीक है numericals कर रहे हैं chapter number 2 के let's continue question the rate of diffusion of unknown gas x is halved the rate of diffusion of unknown gas x is half than that of hydrogen gas half that of hydrogen gas find molecular mass of gas x ठीक है मॉलिकुलर मास ऑफ एक्स बताइए जबकि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अननोन गैस एक्स इज हाफ दैट ऑफ हाइड्रोजन ठीक है तो क्या इसका आंसर होगा मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूं और जो ऑप्शंस मेरे पास हैं इस वक्त आपके लिए वो है 16 28, 9. Okay? Yeah, none of these. Here, one option. Okay? Rate of diffusion of unknown gas X is half that of hydrogen gas. Hydrogen ka to pata hai na? Okay? Aur iska kya pata chal gaya ki ye half of hydrogen gas iska rate hai. Half. RH2, RX is equal to half RH2. सबसे पहले अपने दिमाग में ये डाटा बनाएं, ठीक है? क्या बताएं कि RX जो है is equal to half या 0.5 कर लो, ठीक है? Half RH2, H2, hydrogen. Let me write. ठीक है ये डाटा बना लिया ठीक है अब इसको फॉर्मूला में पुट करो और सॉल्व करके बताओ कि इन में से क्या आंसर है एम एक्स क्या है हमें मालूम करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स हमें मालूम क्या करना है हमें मालूम करना है एम एक्स मालूम करना है ठीक है जल्दी से बताइए क्या आंसर है हमें मालूम है R of hydrogen हमें मालूम है R of X हमें मालूम है under root M X upon M H याद रहे molecular mass का इस्तेमाल करना है कहीं पे गलती से भी atomic mass इस्तेमाल ना कर ठीक है तुम्हें निकालना क्या है तुम्हें mx निकालना है ना ये तुम्हारा काम है निकालना ठीक है ये तुम्हारा काम है निकालना ठीक है किस तरह निकालोगे rh upon rx जी आंसर आ रहा है 4 आ रहा है जल्दी से देखो क्यों आ रहा है rh upon rx यहां पे क्या आ जाएगा rh कितना होता है ये आर एच हो गया ठीक है अपॉन आर एक्स कितना है हमें मालूम है हाफ आर एच है ठीक है हाफ ऑफ आर एच है आर एच से आर एच कैंसिल हो सकता है और यहाँ पे एक मिनट पूरा सॉल्व करने पहले एम एक्स अपॉन 2 हो जाएगा ये ठीक है m x ओवर 2 ये अपॉन 1 अपॉन 2 है ऊपर जाके 2 हो जाएगा तो 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एम एक्स अपॉन 2 सही बात समझ आई फिर क्या होगा फिर ये होगा कुछ नहीं होगा 2 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर ठीक है और इधर हो जाएगा mx अपॉन 2
बहुत मुश्किल सवाल है क्या एम एक्स ओवर टू ये क्या हो गया फोर आर एक्स अपॉन आर एच क्यों नहीं है कर लो वैसे कर लो करोगे दोनों तरीकों में यही आंसर आएगा करके दिखा देती हूँ ठीक है फोर टू जा ये जो टू है नीचे ये आ जाएगा यूं बस उस तरह थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मुश्किल वैसे तो नहीं होगा एट इज द आंसर करके दिखाती हूँ कोई मसला नहीं है ठीक है अगर मैं इसको यही कह रही हूँ ना बस ये आ गया तुम्हारे पास इरेजर ये लो ये ठीक है ये आ गया हमारे पास यूं सॉल्व करते हैं ठीक है कोई मसला थोड़ी है इक्वेशन है इक्वेशन एलजेब्रा तो सिंपल ऐसे ही होता है ठीक है आपने लिया सवाल ठीक है आपने सवाल उठाया कि हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे है ना आर एक्स अपॉन आर एच क्यों नहीं है अपनी मर्जी है हमारी वो तो हम किसी को भी ऊपर रख लें ठीक है आप चाह रही हैं आर एक्स को ऊपर रख लें ना आइए आर एक्स अपॉन आर एच कर लीजिए यहाँ पे एच हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे एक्स हो जाएगा ठीक है आपको एम एक्स मालूम करना है सही है आ जाए आर एक्स कितना है आर एक्स इज हाफ ऑफ आर एच ठीक है तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू आर एच और आर एच ठीक है और इधर क्या हो जाएगा अगेन वही एम एच कितना होता है एम एच कितना है हाइड्रोजन का कितना मास होता है टू होता है ना टू ओवर एम एक्स ठीक है ये आपने कर लिया ठीक है अब आप कीजिए आर एच से आर एच कैंसिल आपके पास इस तरफ क्या रह गया वन अपॉन टू रह गया इज इक्वल टू अंडर रूट है यहाँ पे मैं इसको एक अपना स्टेप बचा रही हूँ यहाँ ले आओ डायरेक्ट स्क्वायर ठीक है और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास वन अपॉन एम एक्स उस तरह करने में मुझे एम एक्स ऊपर मिल रहा था तो मुझे नहीं कहीं कुछ ले जाने की जरूरत नहीं थी ठीक है ये क्या हो गया हाफ ऑफ एम एक्स ये क्या हो गया फिर हमारे पास आइए एक मिनट सॉरी टू एम टू अपॉन एम एक्स सही ये हो गया वन अपॉन फोर इज इक्वल टू टू अपॉन एम एक्स ये तो हमने खुद इक्वेशन सेट की थी ना अब टू फोर जा एट हो जाएगा एम एक्स ऊपर चला जाएगा एम एक्स इज इक्वल टू टू फोर जा फोर इधर चला गया टू फोर जा एट आ गया आंसर सही है क्लियर है वाली बात ये तो हमने खुद सेट किया था ठीक है यहाँ पे हमसे रेशो नहीं सिर्फ एक अननोन फिगर पूछी गई थी तो ये हमारी अपनी सेटिंग थी आप जिस तरह भी सेट करेंगे आंसर वैसे ही आएगा ओके राइट अनदर क्वेश्चन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस एक्स इज वन फिफ्थ दैट ऑफ हीलियम गैस द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस एक्स इज वन फिफ्थ ऑफ हीलियम गैस ठीक है तो अगेन आपको बताना है कि जो एक्स गैस है इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है ऑप्शंस आपको लिखवा रही हूँ 72, 76, 100 या 4 ठीक है जल्दी से निकाल के बताइए आंसर मॉलिक्यूलर मास क्या है एक्स का जबकि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस एक्स इज वन फिफ्थ दैट ऑफ हीलियम गैस ये वाला मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी अब ये वाला आप करके दिखाएं ठीक है समझ आ गए इक्वेशन खुद सेट कीजिए इक्वेशन भी खुद सेट करें और सॉल्व भी खुद करें और मुझे एम एक्स की वैल्यू निकाल के बताएं Here we go. हमारा सवाल है एम एक्स मुझे एम एक्स की वैल्यू बताएं हमारे पास ऑप्शंस ये हैं
100 on a Maheen. Very good, Maheen. Or G, Hafsa. Good, very good. Or hum do questions karte hain abhi solve. Theek hai? 250 centimeter cube of hydrogen effuses. Solve wahi karna hai, usi andaaz mein karna hai. Theek hai? 250 centimeter cube of hydrogen effuses 4 times as rapidly as 250 centimeter cube of unknown gas X. Calculate X. ठीक है, calculate यहाँ पे मतलब आपको वैसे क्या करना है, x का molecular mass ही बताना है. ठीक है, a option a is 45 40 41 32. 250 centimeter cube of hydrogen effuses 4 times as rapidly as 250 centimeter cube of unknown gas x. Calculate molecular mass of x. ये अब आपका काम है, options मैं बता चुकी हूँ, 45 40 41 or 32. ठीक है, let's move towards another question of another type. ठीक है, अब ये थोड़ा different question पे आ रही हूँ मैं, तो उस पर हम बात करते हैं ताकि फिर मैं उसके बाद क्लास खत्म करूँगी. ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन दोनों 250 है. हाँ हाँ, वो तो सेंटीमीटर क्यूब है ना बेटा, वॉल्यूम है. ठीक है, काम उसका वैसे कुछ भी नहीं है. ठीक है, वो सिर्फ सवाल में आपकी आपको खुश करने के लिए दिया हुआ है, तंग करने के लिए दिया हुआ है बेसिकली. ठीक है, ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन व्हिच इज 5 liters ऑफ हाइड्रोजन गैस. 5 liters ऑफ हाइड्रोजन गैस अंडर सर्टेन कंडीशन, अंडर सर्टेन कंडीशन टेक्स 25 minutes, takes 25 minutes to effuse from, to effuse from a small aperture. How long will it take for 4 liters of oxygen? How long will it take for 4 liters of oxygen to diffuse out of same aperture under same condition? Different hai ye sawal, nayi cheez hai. Theek hai, question likh liya. Iska sirf question. ठीक है, क्वेश्चन हो गया बेटा, रिपीट कर दें सेकंड वाला, मतलब जो अभी क्वेश्चन भेजा है. 5 liters ऑफ हाइड्रोजन गैस अंडर सर्टेन कंडीशन टेक्स 25 मिनट्स टू इफ्यूज फ्रॉम अ स्मॉल अपर्चर. How long will it take for 4 liters of oxygen to diffuse out of the same aperture, to diffuse out of the same aperture under same conditions? Option aapke paas hai 80 minute, 100 minute, 400 minute ya 40 minute. ठीक है, कोई बताएगा इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा इस क्वेश्चन में? एनी आइडिया कौन सा फॉर्मूला या कौन सी चीज जो है यहाँ पे अप्लाई हो रही होगी? R इक्वल टू वी अपॉन टी. वेरी गुड, वेरी गुड, सही. तो इसको आप खुद सॉल्व अटेम्प्ट करना चाहेंगे या मैं करवाऊं पहले?
हमारे पास फॉर्मूला है वी वन और टी वन इक्वल्स टी टू ओवर वी टू. ठीक है, इक्वल्स टू अंडर रूट एम टू ओवर एम वन. सही है, हमें क्या निकाल के देना है, हमें क्या चीज निकाल के देनी है भाई, हमें टाइम देना है दूसरे वाले का. तो अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप दूसरी गैस किसको रख रहे हैं और हाइड्रोजन किसको रख रहे हैं. कोई करके बताएगा सॉल्व? पहली गैस जो है वो कितनी है, वो है 5 लीटर. ठीक है, और इसको कितना वक्त लगता है, इसको लगते हैं 25 मिनट. 25 मिनट राइट. आपको टी टू निकालना है जबकि वी टू आपके पास वॉल्यूम आपको जो दिया गया है वो कितना है, वो 4 लीटर है. ठीक है, जिस गैस का को आपने सेकंड गैस लिया है जिसके 4 लीटर है वो कौन है, वो है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का मास कितना होता है, वो होता है 32. जबकि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास 4 होता है ना. सही, आप सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा सॉल्व. फाइव वन जा फाइव, फाइव फाइव जा 25 राइट. ठीक है, और ये दोनों यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं. 5 4 20 हो जाएगा. टी टू इज इक्वल टू या राइट 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 सॉरी इरेज कर लेते हैं. ठीक है, ओके चलो अच्छा है, जाग रहे हो. ठीक है, ये कितना हो जाएगा, हमें मालूम हो गया ये. ठीक है, और अंडर रूट 32 ओवर 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16. अंडर रूट 16 कितना होता है, इट बिकम्स अंडर रूट 16 इज, ठीक है ये कितना होता है, ये 4 होता है ना. ठीक है, ये आ गया 4, और यहाँ 5 4 20 इधर आ जाएगा 20. ठीक है, तो द टी टू इज 80 मिनट्स. इसी तर्ज पे एक और क्वेश्चन लिख लो. ठीक है, राइट अनदर क्वेश्चन. 50 ml of hydrogen diffuses through a small hole from a vessel in 20 minutes. 50 ml of hydrogen diffuses through a small hole from a vessel in 20 minutes. The time needed for 40 ml of oxygen to diffuse out is. 50 ml of hydrogen diffuses through a small hole from a vessel in 20 minutes. The time needed for 40 ml of oxygen to diffuse out of the same hole is. Options 12 minute, 64 minute, 8 minute, 32 minute. 12, 64, 8, 32. Clear? ये एक और क्वेश्चन हो गया, मुझे आंसर बताओ. ठीक है,
जी क्या आंसर आ रहा है? 16 50 ml है हमारे पास, ठीक है, और 50 ml वाली जो गैस है उसका टाइम वो उसको कितना लग रहा है? उसको 20 मिनट्स लग रहा है, ठीक है, जबकि 40 ml वाली जो गैस है उसका हमें मालूम करना है, राइट? अब और हमें इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो पता है, विचार 32/2 वही ही हम यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 32/2, ठीक है, 50 ये हो गया, 5/2 1.5 बेसिकली, ठीक है, और 40 × 80 ये हो गया, ये हिस्सा हो गया 4, 16 को आपने अंडर रूट कर दिया 4 हो गया, ये हो गया 80/5, 5 के डिवाइड में 16 पर 80 आता है, 16 × 4 = 64, ठीक है, 64 मिनट्स, यस, ठीक है, 64 मिनट्स बेटा, 64 मिनट्स. द क्वेश्चन वॉज 50 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस थ्रू अ स्मॉल होल फ्रॉम अ वेसल इन 20 मिनट्स. द टाइम नीडेड फॉर 40 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 40 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस टू डिफ्यूज आउट इज, टाइम निकालना था, सही है, 64 इज T2, निकल गया आंसर, क्लियर है वाली बात? ऑलराइट माहीन, ऑलराइट हफ्सा, आर यू बोथ श्योर? ऑलराइट, आई विल मेक यू राइट अ फ्यू मोर क्वेश्चंस आफ्टर व्हिच वी विल एंड द सेशन, ठीक है, एंड दैट वुड बी योर होमवर्क till tomorrow. Helium gas, write the question. Helium gas takes 5 seconds to effuse from a container of 10 decimeter cube. 10 decimeter cube or 10 liter is the same thing. 10 decimeter cube. How long would it take for 10 decimeter cube of oxygen gas? 5 seconds for helium gas to effuse from 10 decimeter cube container. ठीक है? Container की जो volume होगा, of course वही gas का भी volume होगा. Okay. Helium gas takes 5 seconds to effuse from a container of 10 decimeter cube. How long would it take for 10 decimeter cube of oxygen gas? ठीक है, options आ जाए, options पर. Option A is 10.1 second, B 5.1 second, C 14.1 second, या D 20.1 second. ठीक है, जरा बताइए.
जी another question from NTS paper equal masses of methane and hydrogen equal masses of methane and hydrogen are given find the total pressure exerted by hydrogen gas find the fraction of total pressure exerted by hydrogen gas ye aapka task hai wala question theek hai ye aap khud dekhiye ki isme kya part kis tarah se solve hoga theek hai thoda sa aapko brainstorming ke liye aapko dekhte hain ki aap kitna is pe kaam kar sakte hain theek hai option a 1 over 3 b 8 over 9 C 9 over 1 D 9 over 8 ठीक है मजा आ गया ये equal mass of methane and oxygen are given ठीक है sorry of methane and hydrogen are given ठीक है और आपको क्या बताना है फाइंड फ्रैक्शन ऑप्शन 1/3 क्वेश्चन 1 बताओ जी बेटा कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन पूछ रहे हो पहले वाले क्वेश्चन का उसके ऑप्शंस थे 10.1 5.1 10.1 5.1 14.1 एंड 20.1 ठीक है Clear? 10.1 seconds, 5.1 seconds, 14.1 seconds and 20.1 seconds. Second question जो मैंने NTS वाला बताया उसके options हैं 1 over 3, B 8 over 9, C 9 over 1, D 9 over 8. Clear? ये वाला जो question है, ठीक है? इसी क्वेश्चन की तरह का एक और क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है जो सेकंड वाला एनटीएस वाला मैंने दिया है इसमें मीथेन के साथ ऑक्सीजन देखना ठीक है और फिर ऑक्सीजन का टोटल प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर बताना मुझे ठीक है अब ये कैसे सॉल्व होगा ये आप लोग पहले मुझे बताएंगे फिर मैं बताऊंगा ठीक है क्लियर है वाला पॉइंट ये भी मैं पहले सॉल्व करवाऊँ चलें इस दफा ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ठीक है दो क्वेश्चंस हैं ये दो तीन सवाल तीन सवाल हो गए ना ठीक है दीज आर योर टास्क और फिर हम जो है चैप्टर नंबर 6 या 7 स्टार्ट करेंगे अब ठीक है इंशाल्लाह 7 से ज्यादातर थ्योरी आती है ठीक है और 7 के जो आपको न्यूमेरिकल्स करने भी हैं वो ज़्यादातर मोलारिटी मोलारिटी वगैरह से रिलेटेड ठीक है तो यहाँ पे हम आज की क्लास को एंड करते हैं टेक केयर हैव अ नाइस वीकेंड ओके एनी क्वेश्चंस